आहिस्ता आहिस्ता 15 साल की उम्र तक तो हम नाचे। घर में ये हुआ क्या अब तुम्हें घुंघरू नहीं बांधने पैर में, तो रियाज कैसे करें जी। तो गुसलखाने में जब नहाने जाते तो 1.5 घंटे से पहले तो निकलती नहीं थी। वहाँ पर भवें चला रही हूँ, आँख चला रही हूँ, गर्दन चला रही हूँ, तत्कार कर रही हूँ, घुंघरू नहीं है। तो सब कहते तुम करती क्या हो गुसलखाने में, सब इंतजार कर रहे नहाने का, निकलो। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी खिलाफत जैसे जैसे बड़े होने शुरू हो गए होने लगी तो सब ने कहा अच्छा सुनो ठीक है, तुम्हें बहुत शौक़ है, गाना सीखो या कोई बाजा बजाना सीखो। सब कोई सितार जानते थे और कुछ नहीं, गाना सीख लो, हारमोनियम सीख लो और सितार सीख लो। तो मैंने कहा मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता। तो एक दिन क्या हुआ कि कई साल पहले हमारे भाई को बड़ा शौक़ था, राजेंद्र नारायण जो थे जी, वो नई नई चीज़ें खरीद के लाते थे, पैसा भी बहुत था उन पर, घर में सजा देते। तो एक जगह से उन्होंने कभी नहीं देखा था एक बाजा, उन्हें पता भी नहीं था क्या था, वो खरीद लाए। और वो था सरोद, वो खरीद लाए और अपनी वाइफ से कहा ये देखो मैं बाजा लाया हूँ, ये सीखो। तो कहने मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, मैं बच्चों को पालूंगी, ये सीखूँ, उन्हें पता ही नहीं था क्या है। तो वो सरोद जो था एक अलमारी पर रख गया, बहुत साल से पड़ा था। तो उस दिन मेरी निगाह गई उस पर, 8 साल की थी मैं, 8-9 साल की। तो मैंने कहा ये देखें कि क्या बाजा है, उसका नाम ही नहीं पता था। तो उसको उतारा पर धूल ही धूल जम रही थी, उसको झाड़ा और पोंछा, और गाना सीखा था तो सुर ज्ञान तो था ही बिल्कुल। तो उसके जो तार थे ढीले पीले पड़े हुए, उसको मैंने जो कसना शुरू करा वो अपने आप अपने स्थान पर आ गए, सा मा सा पा। अब ये नहीं पता बजता कैसे जी, कहाँ से कैसे बजाएं क्या करें। तो उस ज़माने में पैसा चलता था, मुझे नहीं मालूम था जवा से बजता है या मिजाब से बजता है, काय से बजता है। तो पैसा था, तांबे का पैसा। तो उस पैसे से मैंने उसको जो टकोरा और जो उसमें से आवाज़ निकली वह वो मेरे दिल के अंदर चली। वाह वाह वाह। मैंने कहा ये मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बनी हूँ।